हमने अपनी बाइक रेडी कर लिया। मेरा टॉवल थोड़ा गीला था इसलिए मैंने बंजी कोड से ऊपर ही बांध दिया, थोड़ी देर बाद उतार के बैग में डाल लूँगा। तो जस्ट हम यहाँ से चलने वाले हैं और टोल पे मिलेंगे हमें बाकी के साथी। हम पंचकुला में हैं, पंचकुला जस्ट क्रॉस करने वाले हैं और देखिए सामने पहाड़ दिखने लग गया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। और नेक्स्ट पूरा वीक तो हमें इन्हीं में ही रहना है, चलते हैं पहाड़ों में। टोल आ गया है, हमने यहीं पे सभी ने असेंबल होने का प्रोग्राम बनाया है। सुमित भाई का फोन भी आ गया, सुमित भाई और टोल क्रॉस करके खड़े हैं, बाइक्स दिखने लग गई मुझे। टाइम के पाबंद लोग थोड़ा लेट हो गए। हेलो करो सर, चले। अमित और गौरव भाई चल निकल चुके हैं, नितिन, राजकुमार भाई और सुमित भाई, हम चार रह गए हैं। पिंजौर और कालका क्रॉस किया हमने और ये हिमाचल में एंट्री का ग्रीन टैक्स लगता है, खैर टू व्हीलर का नहीं लगेगा, ये परमाणु है। चंडीगढ़ की तरफ से आओ तो ये एंट्री पॉइंट आता है, यहाँ से सारा कर्वी और माउंटेन एरिया शुरू हो जाता है। इसकी एक और पहचान है, यहाँ पे टिम्बर ट्रेन रिजोर्ट है जहाँ पे आप रोप वे और केबल कार से उनके रिजोर्ट में जा सकते हैं। गाइस हिमाचल में एंटर कर लिया है फाइनली, पूरा नेक्स्ट वीक हमारा यहीं पे बीतने वाला है, धर्मपुर आने वाला है। ये जस्ट अभी पीछे कसौली के लिए रास्ता कटा था, काफ़ी कैमरे वगैरह लगे हुए थे और अच्छा सा चौक बनाया हुआ था। धर्मपुर में रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ पे जो टॉय ट्रेन चलती है वर्ल्ड हेरिटेज के उसको दर्जा मिला हुआ है। हम नेशनल हाईवे नंबर 5 पे हैं, टोल क्रॉस करने के जस्ट मैक्सिमम 1 किलोमीटर के बाद कसौली के लिए कटा जाता है, जो लगभग 11-12 किलोमीटर ही है यहाँ से। अमित भाई मेरे आगे और बाकी सभी पीछे हैं, धर्मपुर हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद सोलन आएगा, सोलन में हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 को ही पकड़ के रखेंगे। यही हाईवे है जो हमें पूरा आगे तक स्पीति वैली लेके जाएगा। ये नाहन बड़ोग जा रहा है, इधर से शिमला सोलन है। ये फ्लाई ओवर बना दिया नीचे, इस चौक पे बहुत जाम रहता था, कुमार हट्टी है जगह, बस इसके बाद सोलन ही आएगा, बड़ोग को हम बाईपास कर जाएंगे। सोलन में हम एंटर करने वाले हैं, राइट साइड में मुझे पूरी सिटी दिख रही है। सोलन एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, सोलन पहुँच गए हम। ये लेफ्ट साइड से हमारा जो बड़ोग हमने बाईपास किया था, अगर हम बड़ोग जाते तो ये वाले रास्ते से आते हैं, अदरवाइज हम सीधे रास्ते से आए हैं। सोलन को मशरूम सिटी भी बोला जाता है, यहाँ पे मशरूम बहुत होती हैं। ये सोलन में हम एंटर कर गए, सोलन भी हम बीच से नहीं जाएंगे। तो देखिए वो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है यहाँ से राइट में, ये सोलन सिटी है और हम यहाँ से बाईपास कर जाएंगे। सोलन से हम काफ़ी आगे आ गए हैं, ये कंडा घाट आ गया, राइट साइड में चैल आएगा, देखिए द पैलेस चैल लिखा हुआ है इधर, 29 किलोमीटर, बहुत अच्छी जगह है। रोड थोड़ा संकरा है वहाँ का, इसलिए जितना टाइम यहाँ से आपको शिमला का लगता है उतना ही चैल का लगता है। चैल थोड़ा अंटर डेस्टिनेशन है, उधर से अगर शिमला के बाद कुफरी से होके जाओ तो भी रास्ता आ जाता है। मैं वहाँ पे 2-3 दिन रहा हुआ हूँ, वहाँ का तारिका रिजोर्ट है, एक विलेज लिविन रिजोर्ट है, अपना ढाबा पर रुके हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अपना ढाबा पे खाना खा के ब्रेकफास्ट करके बस हम निकल रहे हैं, शिमला से लगभग 15-20 किलोमीटर पीछे हैं हम। और शिमला क्रॉस करके हमारे एक और फ्रेंड हमें फागू पे मिलेंगे, उनको भी साथ लेके हम 7 राइडर्स हो जाएंगे, अपनी मिटियोर को लेके अब चलते हैं। शोगी आ गया है, शोगी के अंदर से जा रहे हैं, कुछ समय का ही रह गया है शिमला, ट्रैफिक मिलेगा शोगी के बाद डेफिनेटली, ये सारा ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा। ऊपर APG शिमला यूनिवर्सिटी है, शिमला में आपका स्वागत है लिखा नहीं हुआ था इस बार, जैसा कि यूजली नगर निगम के बोर्ड्स पर लिखा होता है ग्रीन कलर के, जस्ट दो बड़े बड़े हम गोल्डन कलर में नमस्कार थे। सुमित भाई हमारे सामने हैं और एक बुलेट पे दो भाई और जा रहे हैं, हमारे ग्रुप में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एवरी बाइकर एवरी राइडर इज़ आर ब्रदर और सिस्टर। कोशिश यही रहेगी कि फटाफट से शिमला निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लगता है और जितना ज़्यादा हो सके रास्ता आज कवर किया जाए,
क्योंकि अभी तो फुल एनर्जी है, आगे ऐसे रोड्स भी नहीं मिलेंगे, तो जितना लंबा स्ट्रेच हो निकालने की कोशिश रहेगी। ये शिमला के हाल, यही एक छोटा सा रीज़न था मेरा बाइक पे आने का, क्योंकि मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ आया था, मैं शिमला में बहुत परेशान हुआ था, बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, पता नहीं कितने किलोमीटर का जाम है। रास्ता राइट लेफ्ट साइड से जो ऊपर को जा रहा है वो देखिए, वो शिमला सिटी में गया। ये हम शिमला बस स्टैंड की तरफ आ गए हैं, तो शिमला बस स्टैंड आ गया है। शिमला बस स्टैंड के ऊपर एक होटल भी है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है, बाईपास पे ही बनाया हुआ है शिमला के, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी होटल, वो ऊपर होटल भी है, शॉपिंग मॉल भी है। बाकी हम आपको शिमला का रोड नहीं दिखा पाएंगे, लिफ्ट नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम बाईपास से ही निकल रहे हैं और अब सीधा नारकंडा की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो फ्रेंड हैं सुमित भाई के, वो मिल जाएं तो थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। बाईपास से अब हम नारकंडा की ओर जाएंगे, यहाँ राइट से ऊपर मशोबरा जाखू टेंपल, ये देखिए कुफरी मशोबरा नलदेड़ी जाखू टेंपल, इधर से 2 किलोमीटर है, बाय रोड जाना है तो इधर से जाइए, और अगर पैदल जाना है तो रिज से जाइए। शिमला के ग्रीन वैली भी आने वाली है, ये देखिए पूरी पहाड़ी घरों से भरी हुई है, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं दिखती। यार इस जाम ने तो मेरा हाथ दुखा दिया, कसम से क्या बोलूँ आपको, इतना ट्रैफिक। हर थोड़ी देर बाद जाके गाड़ियाँ ऐसे रुक जाती हैं, और हल्की सी भी कोई साइड दे के खुश नहीं है। ये देखो पहले 7-8 किलोमीटर का जाम था, अब ये भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लेफ्ट साइड को रिज और सेंज की तरफ जा रहा है रोड, कितना लंबा फुट ओवर ब्रिज बना रखा है। हम अब यहाँ पे निकल जाएंगे नारकंडा की तरफ, अब होप है शायद कुछ खुला मिले, लेकिन मुझे गूगल मैप में अभी भी कुछ रेड दिखा रहा है। ये संजौली आ गया है जो शिमला से परे है, संजौली के बाद ये टनल आ रही है, कुफरी नाल देरा दिखा रही है ये। शिमला के आगे तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, शिमला से बिलासपुर ज़रूर गया हूँ बट इधर मैं कभी नहीं आया, सो इसके आगे का तो सारा का सारा रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों ये लेफ्ट साइड को नीचे करसोग जाएगा और राइट साइड को हम नारकंडा और रामपुर की तरफ जाएंगे। नारकंडा 54 किलोमीटर दिखा रहा है और रामपुर है 120 किलोमीटर, तो और चलना है हमें भी। गाइस ग्रीन वैली, लोग यहाँ पे खड़े होके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, यहाँ से वैली में सारे देवदार के वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है नज़ारा है। यहाँ मोस्टली लोग स्टॉपेज लेते ही लेते हैं, लेकिन मुझे अब मालूम लगा है कि मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, बाकी के सारे भाई लोग आगे हैं। गाइस कुफरी आ गए हम, यहाँ पे एडवेंचर वगैरह हो रहा है और हमारा रास्ता सीधा है थियोग्रामपुर लेफ्ट को, चैल राइट को। यहाँ से चैल का रास्ता भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये रिजर्व एरिया है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बोल बिल्कुल खाली रोड रहता है और बहुत ही सुंदर रहता है। ये वीकेंड का सर्किट कर सकते हैं आप, चैल से आइए, इस रास्ते से कुफरी होके वापस चले जाइए। ठियोग सिटी के अंदर से जा रहे हैं, गवर्नमेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ठियोग, चारू घाटी है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये सारे एप्पल के ट्रीज हैं, उनको सेव करने के लिए, धूप से सेव करने के लिए, किसी भी प्रकार के पक्षी से सेव करने के लिए, देखिए पूरी घाटियाँ से भरी पड़ी है। वो देखिए दूर नीचे देखिए, वहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। नारकंडा से पहले है शिलारू घाटी। सो गाइस नारकंडा में हमने एंट्री कर लिया, ये छोटी सी मार्केट है नारकंडा की, एक अपने कोई दिल्ली का ग्रुप रुका हुआ है यहाँ पे। रिकांगपियो 166, पू 216, रामपुर 66, ननखड़ी और बागी, ये हमारे फ्रेंड्स रुके हुए हैं। देखते हैं लंच यहाँ करना है, आगे करेंगे और फिर निकलेंगे। नारकंडा में हाथू पी के देखने वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है,
काफ़ी हाइट पे है, नारकंडा खुद भी अच्छी हाइट पे है और हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा फील भी हो रहा है। और अब नारकंडा के बाद तो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं हम, और यहाँ पे हाथू पीक है जैसे मैंने आपको अभी बताया, विजिट करने की अच्छी जगह है। तो हम हाथू पीक नहीं जा रहे, हम सीधा निकल रहे हैं। सुमित भाई हमसे आगे हैं, वो किसी जगह रुके हैं, वहीं पे हम लंच करेंगे और देखते हैं रामपुर या सराहन कहाँ नाइट स्टे करनी है। अमर भोजनालय मुरथल कुमार सेन, यहाँ पे हम रुके हैं, लंच करेंगे। नारकंडा से लगभग 15-20 किलोमीटर आ गया ये, इसके पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है। इस रास्ते पे कुछ खास था नहीं, नारकंडा के बाद एकदम जंगल सा ही दिख रहा था। हमें सोच हो रही थी कि हम कहाँ पे लंच कर पाएंगे, रामपुर दूर पड़ जाता, तो पूरे रास्ते में यही अच्छे एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा है। तो चलिए गाइस यहीं लंच करके आगे चलेंगे। भाई और लंच करके निकला हूँ और उसके बाद से तो ढलान ही ढलान है, नीचे उतरे ही जा रहे हैं और अब तो मेरे कान फटने को हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से प्रेशर कान का सेट हुआ था, लेकिन अब लग रहा है मेरे कान फट जाएंगे। हो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द तो फ्लाइट में होता है यार कभी कभी। कान बहुत दर्द कर रहे हैं, सामने का पहाड़ देखो, बहुत सुंदर भी लग रहा है, क्या करें। ये नदी भी जा रही है साथ में, नदी कौन सी है भैया, हमें तो गूगल मैप में देखना पड़ेगा। पहली बार आए हैं तो इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन रोड तो खाली है, मज़े वाली है, और पूरा कर लेना यार, कोई बात नहीं। तीर्थ नाम की जगह है, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके थे। वो पीछे जो आपको वो टेंपल दिख रहा है ना, इन लोगों का कहना है कि ये सन टेंपल है, जो एक यहाँ और एक कोणार्क में है। इस बात की पुष्टि मैं अभी नहीं कर रहा, मैं भी गूगल बाबा पे कभी सर्च करूँगा और तब आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए निकलते हैं, 4:30 हो गए हैं। नीरथ बहुत छोटी सी जगह है, ऐसे 2 मिनट के लिए रुके थे तो यहाँ के लोकल आदमी ने बताया। ये लेफ्ट साइड में सतलुज नदी जा रही है। हाँ, मैंने गूगल पे सर्च करके देख लिया और वैसे मेरे गूगल मैप में भी दिखा रहा है, ये सतलुज नदी है। और वहाँ पे कई जगह ना छोटे छोटे पावर स्टेशन भी लगे हुए हैं SJVN करके, तो वहाँ से भी मुझे आइडिया लग गया। पूरी वैली है रामपुर 7 किलोमीटर। सही से हम चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा रोड है ये, लगभग जैसे मनाली जाते हुए ब्यास नदी के साथ साथ है, वैसे ही यहाँ रामपुर जाते हुए हम सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे हैं। अभी एक बोर्ड आया था, काजा 305 किलोमीटर था। काजा तो हम शायद कल तो नहीं, परसों जरूर पहुंच जाएंगे। और अब यहाँ से 30 किलोमीटर बाद जेवरी है, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं ठीक से प्रोनंसिएशन नहीं कर रहा, JEORI, जी हाँ, वट एवर जो भी है ये, मैं जेवरी बोल रहा हूँ। जेवरी से हम राइट लेंगे, राइट लेके सराहन आएगा 11-12 किलोमीटर के बाद, तो नाइट स्टे वहाँ करेंगे, सराहन विलेज भी देख लेंगे और नेक्स्ट डे फिर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे का यही प्लान है कि हम ताबू जाके रुकें, सारा कुछ एक्सप्लोर करके। ये देखिए सतलुज नदी के बिल्कुल हम बराबर पहुँच चुके हैं, रिवर बेड के बिल्कुल साथ है। कल 515 सराहन 47 सराहन जाके रहेंगे। वाह क्या नज़ारा है, रोड तो बहुत शानदार है अभी तक। सिर्फ नारकंडा के बाद कोई 1-2 किलोमीटर के स्ट्रेच में पिट होल्स थे, ख़राब नहीं कह सकते उसे, पिट होल्स ही थे। छोटे मोटे स्ट्रेच तो देखो आते रहते हैं, बट ओवरऑल रोड ये अभी तक बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं 60-70 की स्पीड में चल पा रही है। यहाँ पे हमारे गोरा सर की बाइक में वो इंजन वाला लोगों का ना ऑरेंज वाला वो ब्लिंक कर रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम था, इनको चेक करवा ले। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर लगातार 2-3 दिन जल रही है तब कोई इशू है, अदरवाइज आ रही है जा रही है तो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर अपनी बाइक ले जा सकते हैं। मे भी दो कपलर का इशू होगा, वो कपलर की प्रॉब्लम बाद में जाकर सर्विस में ठीक करा दीजिएगा। तो गाय बाइक से निकल चुके हैं, थोड़ा अजीब सा नाम है, मुझे पहाड़ी बहुत पसंद आ रही है यार। मैं देखती हूँ कैसे एकदम से पीक है और उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। लगभग 12 घंटे की राइड होने वाली है आज की हमारी। गौरव सर तो पहले भी आ चुके हैं, इन्होंने बस मुझे यही कहा है कि यही सबसे लंबा स्ट्रेच है, उसके बाद तो इतना लंबा नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, देखिए वैली में चल रहे हैं और अब धीरे धीरे पहुँच भी जाएंगे।